राजघाट थाना क्षेत्र में मंगलवार को अमरूद बाग में हुई हत्या में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को राजघाट पुल के नीचे बैकुंठ धाम के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान सनी उर्फ सनी पुत्र अशोक साहनी निवासी अमरूद बाग चकरा अव्वल थाना राजघाट जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास निशानदेही पर अमरूद बाग चकरा अव्वल से आला कत्ल गमछा पीले रंग का व मृतक का चीलम बरामद किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि 5 जुलाई को नंदकिशोर भारती पुत्र स्वर्गीय रामजतन निवासी हतवा टोला जंगल एकला नंबर 2 थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 4 जुलाई को मृतक हरिओम पुत्र नंदकिशोर भारती निवासी हतवा टोला जंगल एकला नंबर 2 थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर साय अमरूद बाग चकरा अव्वल नशा करने आया था एवं रात 7-8 बजे के बीच हरिओम उपरोक्त गांजा पीने के लिए अमरूद बाग चकरा अव्वल में था, जहां पर उसके 2 साथी सनी उर्फ सनी पुत्र अशोक साहनी तथा विकास उर्फ राम चेलू पुत्र स्वर्गीय कुमार निषाद निवासी गढ़ अमरूद बाग चकरा अव्वल थाना राजघाट जनपद गोरखपुर भी हरिओम के साथ गांजा पी रहे थे एवं हरिओम के द्वारा चीलम की साफी न देने की बात को लेकर तीनों आपस में झगड़ने लगे, क्योंकि हरिओम अत्यधिक नशे में था, इसलिए सनी उर्फ सनी एवं विकास उर्फ रामचेलू ने मिलकर गमछे से गला कसकर हरिओम की हत्या कर दी। अभियुक्त सनी उर्फ सनी एवं विकास उसी दिन से फरार चल रहे थे, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक अनुप कुमार मिश्र, हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह, कांस्टेबल मंगलदीप यादव, सतीश कुमार, देवेंद्र यादव, कुंदन कुमार, रवि कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, और कहीं करना है? ये जब से हेलमेट नहीं पहनते हैं तब से हमारे मित्र जानते नहीं थे आपस में एक दूसरे को, मतलब जानते मतलब उनको नहीं पता ये गुलेरिया का रहने वाले हैं, जबकि ये दोनों अभियुक्त हैं, ये दोनों गुलेरिया के यहाँ के अमरदानी के रहने वाले हैं। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी महोदय के निर्देशन में कल एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें 4 तारीख की शाम को 7-8 बजे अमूरतानी बाग राजघाट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या की सूचना मिली थी। कल प्रातः पुलिस टीम मौके पर गई, पाया गया कि एक व्यक्ति जिसकी गला घोट के हत्या कर दी गई है। इस पर थाना प्रभारी राजघाट संजय कुमार मिश्रा एवं उसकी टीम के द्वारा विदिन 24 आवर्स हत्या की इस घटना का सफल अनावरण किया है। एक अभियुक्त सन्नी पुत्र अशोक, उसको गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ पे पता चला है कि अभियुक्त एवं एक रामचेलू करके एक और वांछित है, वो और मृतक हरिओम भारती तीनों बैठ के गांजा पी रहे थे। ये चिलम पीने को लेकर विवाद हुआ था, चिलम में साफ़ी लगाने या ना लगाने के ऊपर विवाद हुआ। इसमें रामचेलू एवं सन्नी दोनों ने उस व्यक्ति की पीले गमछे से गला घोट कर हत्या कर दी एवं उसके बाद में वहाँ से फरार हो गए। इस हत्या का सफल अनावरण करने में थाना के 2 कांस्टेबल मंगलदीप एवं देवेंद्र यादव का बहुत अच्छा रोल रहा है। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। ये लोग पेंटिंग का काम करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग का, घरों में एवं नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं और अमूरतानी क्षेत्र, जो कि एक जनपद का हॉटस्पॉट भी है क्राइम के पर्सपेक्टिव से, वहाँ पे ये लोग प्रतिदिन आया जाया करते थे। सन्नी पुत्र अशोक का आपराधिक इतिहास है, ये अभी 15 दिन पहले ही जेल से NDPS में छूट के आया है।